गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हाल तुम्हें? अभी बजे है मतलब ऑलमोस्ट 5:30 तो नहीं, 5 तो बजे होंगे पता नहीं। तो मैं 3:30 बजे उठी थी क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं अबू धाबी। बहुत सारे व्लॉग में लास्ट में बताया हम कहाँ जा रहे, बताएंगे नहीं पर अभी बता रहे हैं। ऑब्वियसली हम पहले भी जा चुके हैं। तो अभी मैं चिन्ना सानिका गुड मॉर्निंग चिन्ना से गुड मॉर्निंग और हम तीनों कैब से जा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आज छोड़ने के लिए हमें कोई भी नहीं था क्योंकि रूपा ये लोग भी गाँव जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कैब बहुत ज़्यादा ईजी है अभी के टाइम के लिए कि सुबह सुबह जाओ फिर टेंशन नहीं। और विनायक जो हमारे साथ आ रहा है वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुँच चुका है। और रात को जैसे बहुत अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि जब रात से पूरा जगना पड़ता है। और क्या पता नहीं यार अबू धाबी के लिए कोई वैसी फ्लाइट्स ही नहीं है, जैसे हम पहले दुबई जाएंगे फिर दुबई के बाद हम अबू धाबी बाय रोड जाएंगे क्योंकि पहले जब हम गए थे तो डायरेक्ट अबू धाबी था बट अभी वैसी फ्लाइट ही नहीं है। और मुझे लग रहा है वो लास्ट टाइम हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग थी तो वो भी थोड़ा ये फक्ट अप ही था। बट ठीक है कि मैंने सुबह की फिर भी मैंने बहुत सर्च करके मॉर्निंग 8:30 ली ताकि हम लोग वहाँ पे जैसे कि दुबई भी पहुँचे, दुबई के बाद हमें वहाँ पे गाड़ी पिक करने आने वाली है फिर उसके बाद अबू धाबी हम जैसे पहुँचेंगे। बट वो क्या है ना हमें दिन में पहुँचेंगे जैसे कि 11:30-12 बजे तक और हमें पूरा दिन मिलेगा। एंड यू नो गाइस मेरा बर्थडे है तो मैं उसकी शॉपिंग भी करने आज ही जाने वाली हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टाइम सच में। मेरा ये न्यू लुक है जैसे मैंने बाल अभी किए कल ही किए, अभी थोड़ी नींद में हूँ थोड़ी और एनर्जी आ जाएगी तो बाद में बात करते हैं। वाओ चिन्ना गुड मॉर्निंग, सारा सामान हमारा असिस्टेंट नंबर 1। सो गाइज हम लोग अभी यहाँ पे है, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया और अभी हम लोग जस्ट एक मुझे एक ना ऐसा एस्थेटिक एक वीडियो चाहिए था जैसे छोटी छोटी शॉर्ट उसमें मस्त वाला जैसे मुझे पसंद है तो हम लोग वैसा शूट कर रहे थे जाते जाते क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। और जैसे कि अभी यहाँ से पहले कुछ खाने के लिए देखेंगे कॉफ़ी या कुछ भी क्योंकि ये वाली फ़्लाइट में हमें थोड़ा सोना ही है ऐसे सोच रहे हैं हम लोग तो पहले ही कुछ खा लेंगे और फिर मैं बैठूंगी। अभी हम कहीं पे जाके पहले बैठते हैं थोड़ा कॉफ़ी वीफी पीते हैं। चिन्ना को परफ्यूम इतना पसंद है ना वो देखना उधर परफ्यूम से निकलेगा नहीं। सानू तुझे कौन सा परफ्यूम पसंद है? मुझे हम लोग अभी वो वाला यूज कर रहे भाई पर उसमें पिंक अच्छा है तो मैं येलो भी अच्छा है। हाँ येलो भी अच्छा है जो मैं ये यूज कर रही हूँ बट पिंक वाला सबसे बेस्ट है, मेरा फेवरेट वही है। अभी हम लोग आए हैं मैकडोनल्ड्स में क्योंकि हमें खाना लेके जाना है। मुझे आदत है हमेशा कि मैं मैकडोनल्ड्स कुछ खाते रहते और हमेशा साथ में फूड रखना मेरी आदत है क्योंकि कभी भी भूख लग सकती है। और ये मेरा अच्छा स्टॉक में है, हाँ वो भी लाया है बट फिर भी भैया हमारे पीछे से लोग आ रहे हैं मतलब हम लाइन में हैं और हमें पूछा भी नहीं हो सीधा अंदर चले गए वहाँ। हम लोग फ्लाइट में बैठे हैं, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग जब एयरपोर्ट पे आए तो ऐसे हमें 3 घंटा तो वेट करना ही पड़ता है बिकॉज हम अर्ली आते हैं। बट आज फर्स्ट टाइम ऐसा सच में हुआ कि 8:30 की फ़्लाइट थी तो एकदम जैसे गेट क्लोज ही होने वाला था तब हम लोग गए जैसे देख के प्रॉपर, फिर वो सही था क्योंकि हमेशा फिर 2 घंटा वेट करो फिर नींद आती है मॉर्निंग में। पर आज का जो हमारा शेड्यूल था प्रॉपर नहीं है जैसे कि फर्स्ट टाइम का मतलब जैसे कि अभी टाइमिंग परफेक्ट हुआ वही। बट एक बार हम जब लंदन से आ रहे थे तभी हम इतना लेट पहुँचे थे कि हम भाग के आए थे वो लंदन से आ रहे थे तभी हाँ हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो मैं और चिन्ना भागे थे ओ माय गॉड ऐसे भाग मिलकर भाग याद आता है। और अभी हम तो बैठे हैं बट अभी जैसे कि मुझे लग रहा है अभी हमें नींद आई तो अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास है अभी एक बुक में दिखाती हूँ सॉरी और मैंने इसके आधी चीज़ें पढ़ी है जैसे 2-3 उस पर 2-3 क्या बोलते हैं उसको पार्ट मैंने पढ़े उसके चैप्टर यस और बहुत है इसमें बहुत है तो मुझे ये पढ़ना है पूरा। तो मैं आधा जब भी मैं ट्रैवल करूँगी मैं हमेशा मेरे साथ ये कैरी करूँगी एंड यस पूरा करूँगी।
आपने पढ़ा है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सच में बहुत मज़ा आता है ये पढ़ने में, ऐसे रियल स्टोरी ऐसे लगता है ऐसे ऐसे ऐसे। हे गाइस, अभी हम लोग दुबई पहुंच गए और जैसे कि अभी मैं सच बोलूँ फ्लाइट ऐसा लगा ना, इतनी बड़ी फ्लाइट थी ना कि जैसे लग रहा है हम सो ही रहे। कभी मैं उठी मैं सोच रही हूँ कि अभी पहुंचे क्यों नहीं अभी तक, बहुत लॉन्ग फ्लाइट लगी मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा नींद में थे या आई डोंट नो व्हाई द रीज़न। अभी हम जस्ट पहुँच गए अराइवल्स, अभी हमें चिन्ना यहाँ से तुम फर्स्ट टाइम आए हो क्या? हाँ, क्योंकि यही है ना एग्जिट यहाँ का, तो जिन लोगों को नहीं पता यहाँ पे ये ट्रेन होती है जिसके लिए हमें एग्जिट करनी पड़ेगी। कितना मिनट बोला? 10 मिनट्स। हाउ मच? ओ माय गॉड, इतना। इधर बैठ जाओ, पहले 10 मिनट्स का वेट इन्होंने बोला है, बट अभी हमें इसके बाद हमें लेना है वीज़ा, मेरा ही वीज़ा, क्योंकि मेरे पास वीज़ा ऑन अराइवल था, मेरे पास US वीज़ा है तो मैं यहाँ से वीज़ा ले सकती हूँ। और अभी इसके बाद हमें जो ड्राइवर है वो लेने आएंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ से अबू धाबी। तो अच्छा है हम लोग सुबह पहुँच गए, यहाँ पर दिन में पहुँच गए, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। और कैसी थी टुबलू तेरी फ्लाइट? बहुत अच्छी थी। एक्चुअली क्या है ना, हेक्टिक हो गया था सुबह, सो उसकी वजह से अच्छी नींद होगी। लास्ट के 3-4 दिन हमारे बहुत ज़्यादा बिजी थे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। See my nuts. My boobie looks so beautiful. इसका जो आउटफिट आज जो लग रही है, इसने बाल भी करवाए हैं, अच्छी तो अलग ही होगी है नीता। आप सब बोल सकते हो 100%। Since Nita's been with me, her look has improved. Our look improved. Thank you. अब first time Dubai airport आई है, अबू धाबी जा चुके 2 बार, पर अभी 3री बार है actually सानिका का। तो सानिका अबू धाबी दुबई एयरपोर्ट तो नहीं आई है, तो सानिका देख यहाँ पे ऐसे ट्रेन हो, ट्रेन के लिए सारे लोग खड़े हैं, ऐसा लग रहा है तुझे यहाँ पे तू दुबई में खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे सब इंडियन ही लग रहे हैं ज़्यादातर। देखना, देखा सारे लोग, बट अच्छा है। और अभी हम लोग जाएंगे ट्रेन से, पर बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, अभी बहुत चलना है हमें। और बागड़ा को हमने उधर खड़ा कर दिया है। कैसा है वेदर बागड़ा? चिन्ना, हाउ इज द वेदर? ऐसा वेदर बहुत रेयर मिला है। और सेम होगा, ये गाड़ी हमें लेने आई है, अभी हम जाएंगे यहाँ से सामान रख के अबू धाबी। मैंने आपका व्हाट्सएप डीपी देखा, आप शाहरुख खान जी से मिले थे जी, कब? ओह, मतलब आप हमेशा मिलते हो जी? तकरीबन। कितने बार मिले हो आज तक आप? तकरीबन 5 times। ओह माय गॉड, यू आर सो लकी। और कैसा लगता है आपको मिलके? अभी आई हूँ मैं मेरे फेवरेट जगह पे, दुबई आती हूँ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे किस चीज की होती है आप बताओ? मैकडॉनल्ड्स। मैंने अभी मैं न्यूयॉर्क में भी गई थी, मैंने वहाँ पे भी बर्गर खाया। पेरिस में हम गए थे, बट पेरिस में क्या चीज हुई कि चिन्ना वेजिटेरियन है और उसके वजह से मैंने वहाँ का बर्गर मैं नहीं खा पाई। बट उसके बाद अभी मैं ना सब जगह जितनी भी कंट्री मैकडॉनल्ड्स की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली है, वेदर भी बहुत आप लोग बोलते हैं, मैं इसके ब्लॉग में बोलती हूँ ऐसे बीच में, तो ये बोल रहा है अभी। देखो अभी इसको मैसेज करो, नहीं। अरे तो फिर हम लोग, मुझे ऐसा है ना कि मुझे सारे कंट्री के मैकडॉनल्ड्स ट्राई करने एंड देन मैं रिव्यू दूंगी। वो मुझे लगा खान आया, देख उधर कोई तो आ रहा है, और हमें लगा कि हमारा जो खान फ्रेंड है वो आया, पर खान तो लंदन में जाके बसा है। आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे, देखो ये होटल अंदर आते हुए बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। हम लास्ट टाइम यही होटल में रुके थे एंड चिन्ना आपको दिख रहा है वहाँ पे चेक इन कर रहा है। सो
यहाँ से अंदर जाते हैं बाद में और मैं सब दिखाती हूँ। हमारा रूम रेडी हो रहा है और जो हवा चल रही है ना, मुंबई में भी ऐसा वेदर नहीं है, दुबई में हमेशा हॉट वेदर होता है बेकार इतना, बट सच बोल रही हूँ ना, ऐसा वेदर दुबई में मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, इवन अबू धाबी लास्ट टाइम हमारा था, इतनी ज़्यादा गर्मी, हम लोग पागल हो गए थे, पागल। अभी ऐसा है जैसे कि मस्त हवा आ रही है, जैसे गर्म भी है बट बहुत सही है, परफेक्ट वेदर जिसको बोलते वैसा लग रहा है अभी। लास्ट टाइम से भी बहुत मस्त है, ये हमारा फोर नाइट स्पाइडर्स के लिए, ये काम ये चुपे हम लोग इधर छुपन छुपाई खेल सकते हैं। सो गाइस ये देखो, ये पूरा व्यू कितना मस्त। ये क्या है? ओके, ये एक छोटा किचन जैसा है, जैसे कुछ भी गर्म करना है या कुछ भी, छोटा सा क्यूट। हाँ, मिनी बार है। ओ वाओ, ये पूछेंगे हम लोग हमें कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। सो ये हमारा ये लिविंग रूम है, कितना मस्त है, ये देखो दो चीज, और ये देखना चिन्ना और मेरा, हमारे लिए ये एक चॉकलेट और ये ऐसे एक मतलब चॉकलेट का ही बनाया ना चिन्ना, और नहीं चिन्ना और मेरा फोटो और ये छोटे छोटे चॉकलेट्स, और हम अभी खाएंगे नहीं क्योंकि हमें एक और शूट करना है कैमरा में इसलिए, बट यस ये देखो, पर ये तो हम खा सकते हैं, मैं इसको गंदा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बोला हमारा शूट है। देख रहा है ऐसे कंटेंट बाहर भी है बट हमने ओपन किए, बट ये देखो इसके बाहर जाके मैं दिखाती हूँ और वहाँ पे लिखा है हेलो मिस्टर राय मिसेस नीता ग्रीटिंग्स टू डू नाइट एंजॉय एंड रिपीट रिलैक्स एंड एंजॉय योरसेल्फ। ओह थैंक यू, ये लास्ट टाइम ये था क्या है, ये पैनेट ही जैसे मेरे नए घर में होने वाला है। प्रॉपर व्यू भी दिख रहा है, यहाँ से वो क्या वो कार रेसिंग करती है, देख सामने दिखा F1 रेसिंग, मैंने नेहा कक्कर की स्टोरी में देखा था F1 racing. यहाँ पे ऐसे वो यहाँ पे बैठ के फ्रूट्स खाने की स्टोरी निकाल रही थी, यही वो रूम है। So guys, I'm so excited. और क्या बच गया? ये छुपे ही थे क्या? और हाँ, और हमारा एक कनेक्टिंग रूम और बाजू में भी है, उसका क्लीनिंग चल रहा है। हाँ, और बच गया, मैंने भूल ली, तो उसका जस्ट क्लीनिंग होने के बाद वो रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 2 रूम्स है। ओके आ जाओ, सुनामी में लेके जाते हैं, सुनामी बहुत हैवी है और इसका हवा देखो सी आवाज आ रही है अभी, ओहो मुझे हवा से पीछे फेंक रहा है, सी मुझे पकड़ना, देख ये क्लाइंब वाला फीलिंग दे रहा है सच में वो बिग बैग बू मेरे बुगलू और मैंने आज क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। यस आई थिंक इट्स बीन
वेरी प्रोडक्टिव फॉर अ फर्स्ट डे ऑफ कमिंग हियर. आज पहला दिन है इधर और इतनी चीजें पहले दिन ही कर ली, सो माइंड-बॉगलिंग. और हमने आज एक मराठी गाने पे वीडियो बनाई है और चिन्ना ने मराठी गाना गाया है, सानू और मैंने करवाया. Make sure you watch that one. 100%, 1 million, baby, 1 million. No, that one is, if I can sing in Marathi, you know what time it is.